चाहता हूँ। आई हैव हाइस्ट रिगार्ड, व्हेन आई से हाइस्ट आई मीन द हाइस्ट रिगार्ड फॉर द ब्यूरोक्रेसी ऑफ द स्टेट, देश की जो अफसरशाही है उनके लिए मेरे मन में और हमारे मन में बहुत मान सम्मान है, बिकॉज वी अंडरस्टैंड दैट फॉर अ सक्सेसफुल गवर्नमेंट देर हैज़ टू बी इक्वल कोऑर्डिनेशन बिटवीन द गवर्नमेंट दैट इज़ द इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड द ब्यूरोक्रेसी। मगर मैं ये कह देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से कुछ अधिकारी अपने को जो है लक्ष्मण रेखा को लांघने का कार्य कर रहे हैं, और इस चीज़ को हम टॉलरेट नहीं करने वाले। ये मुझे कुछ चीज़ों से ये ज्ञात हुआ है कि कुछ प्रपोजल्स यहाँ बनाए जाते हैं और परवानू लांघते लांघते दिल्ली पहुँचते पहुँचते वो बदल जाते हैं। मैं इस चीज़ के बारे में ज़्यादा जो है वो लंबी बात नहीं कहना चाहता हूँ, और मैं ये साफ शब्दों में कह देना चाहता हूँ कि वी आर अ इलेक्टेड गवर्नमेंट, वी हैव बीन इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द स्टेट, द ब्यूरोक्रेसी विल नॉट डिक्टेट अस कि हमको कैसे काम करना है और कैसे काम नहीं करना है। ये चीज़ें इंस्टेंसेस जो हो रही है, मैं मुख्यमंत्री जी के ध्यान में इस विषय को लेकर आऊँगा, मगर ये चीज़ हम टॉलरेट करने वाले नहीं हैं। वी आर देयर बिकॉज ऑफ द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश, वी आर इलेक्टेड फ्रॉम आवर विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज एंड वी हैव टू रेज द वॉइस ऑफ द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश। कोई अगर ये अफसर सोचे कि वो अपने उससे हमारी आवाज़ को दबा देगा तो हम दबने वालों में से नहीं हैं, और मैं इस विषय को पूरी गंभीरता से मुख्यमंत्री जी के समक्ष उठाऊंगा कि इस तरीके से जो अफसरशाही ये करने की कोशिश कर रही है, हम इस चीज़ को बिल्कुल भी टॉलरेट करने वाले नहीं हैं। थैंक यू। देखिए, मेरा कंसर्न है, मैं इस चीज़ पे ज़्यादा विस्तृत तौर से बात नहीं करना चाहता हूँ। मैं इस विषय को मुख्यमंत्री जी के समक्ष उठाऊंगा, मगर एज आई सेड वी आर इलेक्टेड एंड वी हैव टू वर्क फॉर द विल ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट। अच्छा सर, सेव सीजन शुरू हो गया है, तो हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज हिमाचल.केसरी।